हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और अब जो डाउट है आपका वो ये है कि सर सैंपल पेपर आ चुका है, हम कौन सी बुक खरीद लें, क्या कर लें, ये सब डाउट आ रहा है। यही मैंने टाइटल रखा है। तो देखो, एक तो आपको ये डाउट आ रहा है कि सैंपल पेपर कौन सा लें। ठीक है, आप ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी आने तो दो। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन लिख रहे सर मैं ये ले लूँ। अभी आया तो है नहीं, मार्केट में आने दो थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा और देखने दो, मुझे भी देखने दो, सारे सैंपल पेपर एक बार रिव्यू कर लूँ, कौन सा अच्छा है कौन सा क्या है, आपको उसके अकॉर्डिंग सजेस्ट करवा दूँ। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, हमें पैसा खर्च करना है लेकिन सही जगह खर्च करना है। ठीक है, एक तो ये चीज़। तो अभी आपको ज़्यादा नहीं टेंशन लेनी, एक दो दिन वेट कर लो, जैसे मुझे लगेगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। पहली चीज़ तो ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा, आप तब तक क्या कर सकते हो, तब तक यार पढ़ाई करो यार, आपको पता है तब तक ये पूरा देखिए मैंने आपके लिए पूरा फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क्स पूछा, आपने जो जो बोला हर वो चीज़ फ्री में प्रोवाइड कर दी, जो भी अगर आप किसी कोचिंग में एडमिशन लोगे वहां भी शायद ना मिले। आप समझ रहे हो मेरी बात, फ्री की चीज की वैल्यू करना सीखो थोड़ा सा। ठीक है, आपको आराम से मार्क्स बूस्टर, मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे से मार्क्स बूस्टर कर रहे हो और मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन देखता हूँ तो आप लोग बोल रहे हो कि सर वी आर डूइंग मार्क्स बूस्टर, और आप लोग बता भी रहे हो सर मुझे यहाँ डाउट है यहाँ डाउट है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मार्क्स बूस्टर कर लो। मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों ने मार्क्स बूस्टर कर लिया उनको ये बात अच्छे से पता है कि मार्क्स बूस्टर की क्या वैल्यू है, उनको अच्छे से पता है। आपको कोई रेफरेंस बुक नहीं लगानी होती है, उनको पता है कि आपने अगर सैंपल पेपर सॉल्व किया हो, और जिन बच्चों ने मार्क्स बूस्टर किया है आप कंपेयर करना, आप बड़े आराम से चीजें सॉल्व कर पाओगे, बड़े प्यार से सॉल्व कर पाओगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो जिन बच्चों ने इस मार्क्स बूस्टर को नहीं करा तो जरूर करें, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, फुल में फुल आएंगे, और वही मैं चाहता हूँ। तो जब तक सैंपल पेपर नहीं है प्रैक्टिस के लिए तब तक ये करें। अच्छा, एक चीज मुझे बता देना, जो मैं क्योंकि मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा चीज अब पूरी फ्री मिले। ठीक है, तो सैंपल पेपर बनाने में थोड़ा यार मुझे टाइम लगेगा, आपको पता है यार मेरे पास ऐसा कोई टाइपिस्ट तो है नहीं, तुरंत ही आज ऑर्डर कर दिया। ठीक है, आपको पता है छोटा आदमी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आप मुझे मोटिवेशन कैसे देते हो, जब आप कमेंट करते हो, आपको पता है मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन लिखना वी वॉन्ट सैंपल पेपर। मैं कोशिश करूंगा मैं कुछ पेपर्स आपके लिए बना पाऊँ जल्द से जल्द, टाइम लेकिन लगेगा, जल्द से जल्द तो नहीं बोलूँगा, 5-6 दिन तो लग ही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज पेंडिंग में है, आपके बहुत सारे वीडियोस पेंडिंग में है जो मुझे बनाने हैं, अभी बहुत सारा काम है। आप लोग डेली कमेंट करते हो मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए, मैं दिन भर कमेंट पढ़ पढ़ के टाइटल लिखता रहता हूँ। तो अभी बहुत सारी चीज पेंडिंग में है, कम से कम 8-10 चीजें तो पेंडिंग में चल रही है, वो जल्दी मुझे करनी है एक दो दिन में, फिर उसके बाद मैं कर सकता हूँ। लेकिन तब तक, जब तक मैं सैंपल पेपर के बारे में कुछ बताऊं, तब तक तुम एक सैंपल पेपर फ्री में, आपको पता है यार मैंने अकेडमी में हो तो मैंने अकेडमी से पूछा था कि सर ऐसा कुछ है कि आपकी फ्री में बच्चा एक दो पेपर दे ले, भाई पैसा ठीक है लेकिन क्या फ्री में कुछ ऐसा अवेलेबल है, तो उन्होंने बोला हाँ एक पेपर हो रहा है, तो इसको आप लोग जाके जल्दी से इनरोल कर लो, क्या फ्री है ये पेपर। ठीक है, आप यहाँ पे मैथ साइंस दोनों का पेपर दे सकते हो, बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे मॉक टेस्ट 4 क्लास 10th, मैं आपको आगे दिखा देता हूँ जैसे आपको चीजें क्लियर हो। देखो ये साइंस का 11 सितंबर को पेपर होने वाला है, 5 से 6:30, यानी 90 मिनट का पेपर है, जो कि CBSE स्टैंडर्ड के हिसाब से फुल टर्म 1 सिलेबस है, 60 क्वेश्चंस होंगे जैसा कि पेपर में है। वैसे मैथ में आपको पता है 50 क्वेश्चंस का पेपर है, 90 मिनट्स का, ये 12 तारीख को है, 5 से 6:30, और ऐसी जिनका बेसिक है मैथ्स बेसिक वो यहाँ पे दे सकते हैं। आप इनरोल करने पर जाओगे, इनरोल करने में जाओगे तो बस भाई अगर आपने पहले से अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर रखी है तो अच्छी बात है, मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन अगर बाय चांस आप पहली बार अनअकैडमी यूज कर रहे हो, आपने अभी तक ऐप डाउनलोड ही नहीं करी है, तो हो सकता है जब आप इनरोल पे क्लिक करोगे ना, इनरोल फॉर फ्री, ये फ्री है, मैं आपको हर चीज फ्री बताता हूँ। ठीक है, फ्री की जुगाड़ ढूंढते हैं हम लोग सोचते हैं जितना काम फ्री में हो जाए क्यों पैसा खर्च करें, जहां जरूरत होगी वहां कर देंगे यार, हर जगह पैसा लगाने की क्या जरूरत है, जहां फ्री चीज मिल रही ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, इनरोल फॉर फ्री पे क्लिक करना, यहाँ पे कोड मांगेगा, अगर आप पहली बार अनअकैडमी यूज कर रहे हो, फ्री होता है बस कोड डालना होता है, तो मैंने एक कोड बनवाया है A4S, आशीष फॉर स्टूडेंट, यहाँ पे डाल देना A4S। ठीक है, A4S डालोगे, स्पेस स्पेस की चीज मत करना, बस ऐसे सीधा A4S लिख देना, डायरेक्ट A4S, आप वो इनरोल कर लोगे, और अपना जो भी टाइम टेबल है ना तुम्हारा, कहाँ है टाइम टेबल, ये नोट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिससे आपको याद रहेगा, आप 10th क्लास में हो ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, साइंस का आपको है 11th को, मैथ्स का है 12th को, और बेसिक का है आपका 12th को, दोनों सेम टाइम पे ही हैं, तो 11-12 तारीख है, याद रखो। ठीक है, और इसको, इसकी जो लिंक है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, इनरोल करना बहुत आसान है, वही 10 डिजिट नंबर अपना जो भी डालना डाल देना,
बस सिंपल कोड मांगे तो A4S डाल देना बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है, इतनी सी बात है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि चार एस सी ए ठीक है, यहाँ फ्री से जुगाड़ हो गया, ठीक है, फ्री में एक पेपर दे लो, आपका स्कूल टेस्ट आने वाला है एक बार। अच्छा एक चीज़ आपको करना है, सैम्पल पेपर देते टाइम 1.5 घंटे के लिए साइड में बैठ जाना, रूम में बोल देना 11 तारीख को पापा मम्मी डिस्टर्ब ना करें, कोई डिस्टर्ब, भाई बहन को दूर कर देना, कह देना दूर हो जाओ, देखो इसको सीरियसली पेपर दो, देखो एक ही पेपर है, अब फ्री चीज आपको देखो बार बार नहीं मिलेगी, ठीक है, एक बार मौका मिलता है, अब समझ रहे हो, तो हर बार तो तुम्हें फ्री देगा नहीं कोई, ठीक है, तो कम से कम उस चीज की वैल्यू समझो। तो आपको क्या करना है, पहले सबको पहले तो डेट फिक्स कर लो, 11 तारीख कब है, 11 को है और 12 को है, 11 को साइंस का 12 को मैथ का है, तो 11 तारीख को अपने भाई बहन से बोल दो 5 बजे डिस्टर्ब मत करना, अपने एक रूम में जाना और सोचना मेरा बोर्ड एग्जाम होने जा रहा है, जो आप मुझसे बोलते ना कि सर 90 मिनट्स की स्ट्रेटजी बता दो, समझ लो यही है, आप जाओ अपने रूम में 5 बजे बैठ जाओ, एक रफ कॉपी निकालो और फटाफट आंसर करो, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम का पैटर्न का होगा, उसमें केस स्टडी भी होगा, सब कुछ वैसे ही होगा, मैंने बात कर ली है, ठीक है, पूरा बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन से टिक करो और चेक करो कितना आएगा, और मुझे इंस्टाग्राम में जरूर बताना तुमने कितना स्कोर करा। अगर तुमने वहां 40 में 40 ला दिया तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप स्कूल में भी 40 में 40 कर दोगे, मुझे बड़ा सुकून मिलेगा, एक टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये टेस्ट मैं यूट्यूब पे भी नहीं ले सकता, इस तरीके का केस स्टडी उपरांत नहीं ले पाऊंगा इतना, तो कम से कम मुझे आप लोग जरूर स्क्रीनशॉट शेयर करना कि सर देखो, और हाँ स्कोर तुरंत आपको मिल जाएगा, तो आप मुझे बताना कि सर मैंने 40 स्क्रीनशॉट ले लेना, तो मुझे बड़ा सुकून मिलेगा कि मेरे बच्चों ने अनअकैडमी को भी दिखा दिया, देखो हम भी किसी से कम नहीं, तो मुझे बड़ा सुकून मिलेगा, तुमने चैनल से पढ़ाई करी, तुम चीज़ों को समझ रहे हो और कहीं फोड़ रहे हो, तो ये छोटा सा चैलेंज है, इसको एक्सेप्ट करके कौन कौन करेगा कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि सर वी विल रॉक, नहीं रॉक नहीं, हम फोड़ेंगे इस पेपर को, हम फोड़ेंगे जो अभी 11 तारीख को है ना, 11-12 तारीख को इस पेपर को हम फोड़ेंगे, ये कमेंट सेक्शन सब लोग लिखेंगे, इस पेपर को हम फोड़ेंगे, जब ये पेपर फोड़े हो, बोर्ड एग्जाम दूर होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ बोर्ड एग्जाम यहाँ है, हम यहाँ है, ये छोटे छोटे लेवल होते हैं, कोई बुक सॉल्व करते हो, कुछ रेफरेंस बुक सॉल्व करते हो, इंपॉर्टेंट, यहाँ तक जाने के लिए छोटे छोटे रास्ते हैं, ये छोटा सा रास्ता है बीच में, इसको तय करना है, ठीक है, तो आपको लिखना है इस बार इस टेस्ट को हम फोड़ेंगे, इस टेस्ट को हम फोड़ेंगे, इस टेस्ट को हम फोड़ेंगे, ऐसे लिखोगे अंदर से जुनून आएगा, इस बार फोड़ेंगे, इस बार फोड़ेंगे, और आप लोग बोर्ड एग्जाम को भी फोड़ दोगे, ये मैं वादा करता हूँ आपसे, ठीक है, इसी वीडियो को एंड करते हैं, मैं कंक्लूजन कर दूं जल्दी से, सैंपल पेपर अभी आपको नहीं खरीदने हैं, ठीक है, सैंपल पेपर आपको एक भी अभी नहीं खरीदना है, ठीक है, जैसे ही आएगा कुछ मैं देख लूंगा कौन सा रिव्यू करके, तब मैं आपको बताऊंगा तब खरीदना है, और मैं भी कुछ काम करूंगा, मैं भी आपको कुछ सैंपल पेपर दूंगा, उससे पहले एक बहुत अच्छा आपको मौका मिल रहा है, आप इसमें लग जाइए, बस इतना ही कहना था, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बात करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हों, धन्यवाद।